Hey, what is up guys, I am Aniket and you are watching the Screen Education. Guys, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पांच ऐसी ट्रिक्स या तरीके जिनको अप्लाई करने के बाद आप काफ़ी हद तक अपने मोबाइल की इंटरनेट स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आपके मोबाइल की इंटरनेट स्पीड की, वाईफाई की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। और वो चाहे कोई सा भी कंपनी का इंटरनेट आप लोग यूज़ कर रहे हो, चाहे वो जियो हो, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वोडाफोन हो या आइडिया हो, ऐसी कोई भी सिम हो जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, ये जो पाँच तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ ये सब जगह जो है वर्कआउट करेंगे। तो अगर आप लोग इनको ध्यान से फॉलो करते हो, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनते हो और अप्लाई करते हो, तो कहीं ना कहीं जो है आप अपने मोबाइल की इंटरनेट स्पीड को इम्प्रूव जरूर कर पाओगे। गाइस, सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि आप अपने फ़ोन से अनयूज्ड ऐप्स को रिमूव कर दीजिए। कभी कभी होता क्या है कि आपको किसी वजह से कोई ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है और काम खत्म हो जाने के बाद वो ऐप जो है फ़ोन में पड़ी रहती है, या आपके फ़ोन में कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स आती हैं, तो ये जो ऐप्स होती हैं ना, ये कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में हमारे डेटा को 24/7 कंज्यूम करती हैं या यूज़ करती हैं। तो ऑब्वियसली ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारे मोबाइल की इंटरनेट स्पीड स्लो हो जाती है, क्योंकि डेटा जो है वो स्प्लिट हो जाता है, आप भी यूज करते हैं डेटा को और ये ऐप्स भी यूज करती है, जिससे स्पीड पर फर्क पड़ता है। तो सिंपली आपको ऐसी ऐप्स को अपने फोन से रिमूव करना है जो आपके हिसाब से अनयूज्ड ऐप्स हो और आपके डेटा का बेवजह इस्तेमाल करती हो। ऐसा करने से गाइज आपको स्पीड में, यानी कि आपके इंटरनेट स्पीड में इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा। गाइज, दूसरा जो तरीका है इंटरनेट स्पीड को इंप्रूव करने का वो ये है कि आपको टाइम टू टाइम अपने फोन के कैशे फाइल्स को क्लियर करना चाहिए। जनरली होता क्या है कि कैशे फाइल्स जो होती हैं वो आपके स्टोरेज को कंज्यूम करती हैं, जिससे फ़ोन का स्टोरेज फुल होने लगता है जब आप बहुत टाइम तक जो है इन कैशे फाइल्स को डिलीट नहीं करते हैं, जिससे आपके इंटरनेट स्पीड पर फर्क पड़ने लगता है। सिंपली आपको अपने फ़ोन के स्टोरेज में जाना है और वहाँ पर जो कैशे फाइल्स इकट्ठा हो जाती हैं उनको क्लियर कर दीजिए, और जो आपके मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज ऐप्स जो होते हैं आप पर्टिकुलर उन ऐप्स की सेटिंग्स में जाइए, वहाँ पर भी आपको क्लियर कैशे करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो वहाँ से भी आप जो है हर एक ऐप के कैशे फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। तो कैशे फाइल्स क्लियर करने से भी आप लोग अपने इंटरनेट की स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं, सो डेफिनेटली ट्राई इट आउट गाइस। गाइस, जो तीसरा तरीका है, यूज़ एड ब्लॉकिंग ऐप। जी हाँ, एड ब्लॉकिंग ऐप्स को भी यूज़ करके आप अपनी इंटरनेट स्पीड को इम्प्रूव कर पाओगे। जनरली जब हम किसी वेबसाइट पर सर्व करते हैं या किसी ऐप को यूज़ करते हैं, तो हमें काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर इस तरह के एड्स देखने को मिल जाते हैं, जिससे हमारा डेटा कंज्यूम होता है एड्स और ब्लॉटवेयर्स की वजह से। तो इन एड्स को ब्लॉक करके भी हम अपनी इंटरनेट स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर सिर्फ एड ब्लॉकिंग ऐप से सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारी ऐप्स देखने को मिल जाएंगी इससे रिलेटेड। आप सबसे अच्छी रेटिंग वाली ऐप को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो अपने एड्स को ब्लॉक करने के लिए। गाइस, चौथा जो तरीका है अपने इंटरनेट स्पीड को इम्प्रूव करने का वो ये है कि आप जो ऐप्स यूज़ करते हो उन ऐप्स के जितना हो सके लाइट वर्जन्स को यूज़ करिए। जैसे कि फेसबुक को ही ले लीजिए, तो गाइस फेसबुक का जो नॉर्मल वर्जन होता है ये आपके फ़ोन के स्टोरेज को कंज्यूम करने के साथ साथ आपके डेटा को भी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करता है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली जो है आपके बैकग्राउंड में रन करता रहता है। तो अगर आप इसके लाइट वर्जन को यूज़ करोगे तो कंपैरेटिवली ये लेस स्टोरेज के साथ साथ लेस डेटा भी कंज्यूम करेगा। फेसबुक के अलावा ऐसे काफ़ी सारे ऐप्स हैं जो आप डेली बेसिस पर यूज़ करते हो, और अगर आप उनका लाइट वर्जन यूज़ कर सकते हो, अगर लाइट वर्जन अवेलेबल है तो लाइट वर्जन ही यूज़ करिए। तो ऐसा करने से भी आपको आपकी इंटरनेट स्पीड में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा गाइस। गाइज, हमारा जो पांचवा और लास्ट मेथड है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं जनरली, और फिर उनको उनकी इंटरनेट स्पीड में प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, यानी कि डिसेबल ऑटो अपडेट ऐप्स इन बैकग्राउंड। गाइज, ये जो तरीका है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा जो डेटा हमारा कंज्यूम होता है वो इसी वजह से होता है, क्योंकि बैकग्राउंड में जो हमारे जो ऐप्स होते हैं वो कंटिन्यूसली अपडेट होते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो ये भी एक रीज़न है जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारा बहुत ज़्यादा डेटा कंज्यूम करता है और स्लो इंटरनेट स्पीड हमें देखने को मिल जाती है। तो आप प्ले स्टोर में जाकर ऐप्स की सेटिंग्स में, वहाँ पर ऑटो अपडेट ऐप्स का एक ऑप्शन होता है, उस फीचर को आप डिसेबल कर सकते हो, और जब ज़रूरत पड़े आपको आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से उसको ऑन कर सकते हो, ऐप्स को अपडेट कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका डेटा भी बेवजह कंज्यूम नहीं होगा और आपको स्लो इंटरनेट स्पीड की प्रॉब्लम भी फेस करने को नहीं मिलेगी। तो गाइस, एक ये भी तरीका है जिससे आप अपनी इंटरनेट स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हो। तो गाइस, ये थे हमारे पाँच तरीके जिनको अप्लाई करने के बाद, फॉलो करने के बाद आप अपने मोबाइल की इंटरनेट स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हो बहुत ज़्यादा हद तक। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि जनरली
इंटरनेट स्पीड की समस्या काफ़ी ज़्यादा लोगों को आती रहती है। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो भाई लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन स्टे होम, स्टे सेफ़।